आसियान और पूर्व एशिया सम्मेलन में शामिल होकर इंडोनेशिया से दिल्ली के लिए निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों सम्मेलनों को किया संबोधित। 21वीं सदी को बताया एशिया की सदी। कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। G20 सम्मेलन से पहले लगातार 3 दिन नॉनस्टॉप काम में लगे पीएम नरेंद्र मोदी। जकार्ता रवाना होने से पहले मंत्रियों के साथ की बैठक, इंडोनेशिया से लौटकर 8 सितंबर को जो बाइडेन समेत 3 दिग्गज नेताओं से भी करेंगे मीटिंग। G20 सम्मेलन के मेहमानों के लिए तैयार दिल्ली, भारत पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। सम्मेलन में भाग लेने के लिए देर रात अमेरिका से निकलेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। कल शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। देश में भारत वर्सेस इंडिया के विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। नाम बदलने पर बोले यूएन महासचिव के उप प्रवक्ता, इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव आया तो करेंगे विचार। उदयनिधि के बाद अब डीएमके नेता ए राजा का सनातन पर विवादास्पद बयान। एचआईवी और कुष्ठ रोग से कर दी तुलना। आरजेडी नेता के भी बिगड़े बोल। बीजेपी बोली सनातन को कोई नहीं कर सकता समाप्त। देश में आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान। बोले समाज में भेदभाव खत्म होने तक जारी रहना चाहिए आरक्षण। परिवार में सब समान है लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी पड़ती है, ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। सूरज की ओर से बढ़ रहे आदित्य L1 ने पृथ्वी और चांद के साथ ली सेल्फी। खूबसूरत तस्वीरों को इसरो ने किया जारी। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा से द्वारका तक मंदिरों में भक्तों की भीड़। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की बधाई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल।